आई नजर आते हैं झारखंड की एक खबर पर। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन जामताड़ा एवं जिला ओलंपिक संघ के तत्वाधान में सब जूनियर अंडर 14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता कासपाड़ा स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के प्रांगण में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें बालिका वर्ग में 2 टीम शामिल थी तथा बालक वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्री डीडी भंडारी सर के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। उपाध्यक्ष डीडी भंडारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए एवं नियमित तौर पर हमें खेल से जुड़े रहना चाहिए। इस ओलंपिक दिवस का थीम यह है कि अपने आप को गतिशील रखें और हर खेल को अनुशासन में रहकर आनंद लें। ओलंपिक दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपसी भाईचारा, नैतिकता और अनुशासन में रहकर हम खेल को खेल भावना से खेलें। मौके पर मौजूद सेंट एंथोनी स्कूल के डायरेक्टर चंचल भंडारी ने कहा कि खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेलना चाहिए एवं विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि खेल गतिविधियों में किसी तरह का भेदभाव ना हो। आज का मैच में बालिका वर्ग में सेंट एंथोनी की टीम विजय रही और रनर अप में डीएवी की टीम ने जगह बनाई तथा बालक वर्ग में सेंट एंथोनी की टीम प्रथम स्थान पर रहे और रनर अप में डीएवी पब्लिक स्कूल की टीम रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए जिला वॉलीबॉल सचिव विवेक रजक ने खिलाड़ियों को कहा कि खेल में हार जीत बनी रहती है, इसको लेकर खिलाड़ी चिंतित ना रहे बल्कि ज्यादा से ज्यादा आपसी भाईचारे के साथ खेल में नियमित रूप से प्रैक्टिस पर ध्यान दें। मौके पर राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमित ओझा, कबड्डी निर्णायक करण राव, नदिया दास, अंकित कुमार सहित काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।